जैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई, उसी के बाद से पूरे देश में उत्सव का माहौल है। हम अगर बात गढ़वा की करें तो गांव की गलियों से लेकर शहर के मोहल्ले तक गुलजार है, पूरा लोग आह्लादित हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। पूरे शहर को सजा दिया गया है, अहले सुबह से पूरी तरह से बैलून, भगवा बैलून से पूरे शहर को पाट दिया गया है और शाम होते ही पूरा शहर दिए से जगमग हो उठा है। लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ लोग हैं शहर के जिनके द्वारा ये खुशी जाहिर की जा रही है। कितनी बड़ी खुशी है ये, पूरे देश के लिए सबसे बड़ी खुशी है। जो 500 वर्षों से हम लोग जिस राम को आस्था में हमारा देश जो है, आज वो खुशी हम लोग को मिल रही है। ये आने वाले दिनों के लिए ऐतिहासिक होगा। हर 5 अगस्त को दिवाली के रूप में हम लोग मनाएंगे। उसी कड़ी में आज हम माँ गढ़देवी मंदिर न्यास के तरफ से, पूरे कमेटी की तरफ से हम लोग दीपदान का व्यवस्था किए थे और दीपदान के द्वारा हम लोग भूमि पूजन का जो था उसमें हम लोग अपना आस्था व्यक्त किए। साथ में आज पूरे मेन रोड में हमारे युवा साथी जो है महाराणा प्रताप अखाड़ा और तमाम राष्ट्रीय और राम मंडली के द्वारा जो है पूरे सजाया गया और व्यवसायिक संघ तमाम लोग द्वारा किया गया। बहुत ही खुशी की बात है और तमाम लोग चाहेंगे इसी प्रकार के भाई सहोदर बनाकर हम लोग भाईचारा राम को पूरे देश नहीं पूरे विश्व में इसका हम लोग स्थापित करने काम करेंगे। क्या उम्मीद था, खुशी जाहिर की गई, उम्मीद था कभी कैसा भी वक्त आएगा? जब से भैया यही हमारा कहना है कि ये वोट का आज ही पहचान मिला, मोदी का वोट इसीलिए दिए कि इतना उम्मीद है कि 48 पुरुष मेरे मोदी ही हैं कि जो कि देश को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने जो वोट दिया था, वोट देने का हक आज अदा हो गया। मोदी ने उस वोट का हक अदा किया यह मंदिर की आधारशिला रख कर। क्या कहेंगे आप? हम महाना पटा बखारा मेन रोड में आप देख रहे हैं, सुबह से हम लोग युवा लोग लगे हुए हैं, सुबह 6 बजे से पूरे शहर को जगमग किए हुए हैं। बैनर पोस्टर के साथ 101 केजी लड्डू का वितरण करवाएं पूरे शहर में। सब दुकानदारों को लड्डू खिलाएं, मिठाई मुँह मिठाई कराएं। बहुत खुशी है हम लोगों को कि आज 500 वर्षों का जो सोच उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी हम लोग अपने जीवित काल में देख लेंगे। हमारे दादा लोग कहते रहे कि राम मंदिर बनेगा। मेरा बहुत खुशी की बात है कि हम लोग अपने पीढ़ी आने वाले पीढ़ी को एक नया आयाम दे सकेंगे जो कि संभव नरेंद्र मोदी से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभव हो पाया। बहुत ही खुशी। आप युवा लोग भी हमारे साथ हैं, कितना खुशी की बात है? इतना खुश है कि हम इजहार नहीं कर सकते। आगे क्या कहेंगे? ये एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन का हम लोग अपने मतलब जब से होश संभाले तब से इंतजार कर रहे थे कि कब राम मंदिर बनेगा और हम लोग मतलब इस मृत्यु लोक में भाग्यवान है कि राम मंदिर बनते हुए देख के मरेंगे। हम हो गया भैया, क्या कहेंगे, कितनी खुशी की बात है। बहुत बढ़िया बात है भैया। करिए हो गया आपका। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के उद्घोष से पूरा देश आज गुंजायमान हो रहा है। साथ ही साथ दियो की रोशनी से पूरा जगमग हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम दिवाली तो हर साल मनाया करते थे लेकिन यह जो 5 अगस्त का दिन अविस्मरणीय रहा है, ऐतिहासिक दिन है, आज के दिन भी हर साल हम दिवाली मनाकर यह खुशी जाहिर करते रहेंगे। आशुतोष रंजन, दास न्यूज, गढ़वा। इस कमेटी की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गढ़वा जिला वासियों एवं समस्त राजवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। इस वैश्विक महामारी कोरोना में सभी से आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और के नियम का पालन करते हुए राष्ट्रीय पर्व को मनाने बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर, पावन अवसर पर इस संपूर्ण पलामू प्रमंडल वासियों को और अपने क्षेत्र विश्रामपुर मझिया विधानसभा क्षेत्र के समस्त नागरिकों को, किसान भाइयों को, युवा वर्ग को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इस पर्व को बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनावें। साथ ही वर्तमान समय में जो COVID-19 है उसका ख्याल रखते हुए आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और क्षेत्र के विकास के लिए, अपनी खुशहाली के लिए हम लोग इस पर्व को सरकार के जो निर्देश हैं वर्तमान में COVID-19 को लेकर उसे मानते हुए आप लोग इस पर्व को मनाएं। मैं आप लोगों के सफल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। आज़ादी का हमारा पर्व
के अवसर पर मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से सभी राज्यवासियों को, जिलेवासियों को एवं देशवासियों को, साथ ही साथ इस स्वतंत्रता को दिलाने में हमारे देश के जितने भी सैनिक शहादत लिए हैं उनके सभी परिजनों को मैं अपनी ओर से इस दिवस की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। और आपसे अपील करता हूँ कि इस वर्ष कोरोना महामारी के अवसर पर मैं निवेदन करूँगा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी बनाते हुए इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व को हर्षोल्लास मनाएं।